नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। विपक्षी गठबंधन INDIA की दो दिवसीय बैठक मुंबई में संपन्न हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले समन्वय समिति समेत कई समितियों का ऐलान हुआ, दावे किए गए, दिल्ली में मिलने का वायदा हुआ, बात खत्म हुई। इधर खलबली मची, विशेष सत्र बुला लिया गया और वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल निकली। ये राजनीतिक दावपेच है। अभी 6 महीने का वक्त है, न जाने कितने दावपेच चले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि विपक्षी एकता मतलब वैसे ही जैसे कि मेढक को तराजू पे तोलना, एक को मनाओ तो दूजा रूठ जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ मुंबई की बैठक में भी। दरअसल राहुल गांधी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर के बहुत आक्रामक रहते हैं, जैसे वीर सावरकर, जैसे अडानी। अडानी को लेकर के 2 अखबारों में खबरें छपी, तत्काल राहुल गांधी पीएम मोदी पर टूट पड़े। यहाँ से पैसा वहाँ गया विदेश, और वहाँ से पैसा यहाँ आया, जिम्मेदार कौन, जवाब दे चौकीदार टाइप की बातें की। अब है क्या कि अडानी एक उद्योगपति है, राजस्थान में भी उनका पैसा लगा है, प्रोजेक्ट लगा है, पश्चिम बंगाल में भी 25,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लग रहा है, जहाँ पे 5 लाख लोगों का रोजगार मिल सकता है, और भी तमाम सारे राज्य हैं। विपक्ष के नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी पीएम मोदी को टारगेट करें, अडानी को एक उद्योगपति को इस तरीके से टारगेट करना, वो भी सिर्फ अखबार में खबर छपने के आधार पर या हिंडनबर्ग जैसी एजेंसी के रिपोर्ट के आधार पे, ये कतई उचित नहीं है। आपको याद है ना, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जिस दौरान राहुल गांधी ये मुद्दा उठाए हुए थे, तुल दिए हुए थे, उसी दौरान गौतम अडानी से मुलाकात कर ली थी, और ये भी कह दिया था कि हिंडनबर्ग जैसी एजेंसी की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, उस पर कोई इतना तुल देने की जरूरत नहीं है। बताया जा रहा है कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भी इस पर नाराजगी व्यक्त की है, मतलब नाराजगी तो औपचारिक रूप से व्यक्त नहीं की, लेकिन नाराज है कि राहुल गांधी ने ऐसा बिना डिस्कस किए हुए क्यों किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को क्यों उठाया। जब एक गठबंधन शेप ले रहा है तो कोई भी इशू उसमें डिस्कस होना चाहिए, उस पर संयुक्त राय बननी चाहिए, उसके बाद उस मुद्दे को उठाइए, और भाषा शैली वगैरह वगैरह, बात सिर्फ इतनी नहीं है। बात यह है कि पंचायत चुनाव में अभी जिस तरीके से ममता बनर्जी को चुनौती दी गई, उन्होंने तत्काल अटैक किया था कांग्रेस, लेफ्ट और बीजेपी पे। बीजेपी का तो पाला खींचा हुआ है, कांग्रेस और लेफ्ट साथ में है। एक दिन पहले इस बैठक से उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी, सीट शेयरिंग पर बात हुई थी कि आखिरकार आप लेफ्ट के साथ वहां रहेंगे तो फिर हमारे साथ कैसे रहेंगे। ये चीज़ें सिर्फ ममता बनर्जी से नहीं टकरा रही है, ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से भी टकरा है इस बात को लेकर के। खैर, अभी आम आदमी पार्टी की बात को छोड़ देते हैं। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोली और वहाँ से वापस लौट आई थी। ममता बनर्जी राहुल गांधी के अप्रोच और कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर पा रही है। उन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं और कांग्रेस पार्टी लेफ्ट को नहीं छोड़ेगी, जहां वो पश्चिम बंगाल में उसी से संघर्ष कर रही है, फिर ये एकता हो पाएगी। अभी कहा यह जा रहा है कि कुछ दलों ने, अखिलेश यादव समेत कुछ दलों ने सीट शेयरिंग की बात उठाई थी कि इसको हल किया जाए, लेकिन उसको रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि उसको लेकर के विवाद है, और विवाद होगा ही। दो ही ऐसे मुद्दे हैं, सीट शेयरिंग कौन कितना लड़ेगा, किस राज्य में कितना लड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, नेता कौन होगा। नेता की तो बात आपने ये कह करके टाल दिया कि चुनाव बाद ये तय कर लिया जाएगा, ठीक, लेकिन सीट शेयरिंग तो चुनाव से पहले ही होगा। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, जातीय जनगणना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी दलों को राजी करके, जब बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे, बिहार में जातीय जनगणना करा रहे हैं। ये मामला हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन वो जातीय जनगणना करा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो कि जातीय जनगणना का विरोधी रही है, बाकायदे इसको लेकर के चिट्ठी लिख चुकी है, इसका समर्थन कर चुकी है, लेकिन इसको लेकर के जो राजनीतिक प्रस्ताव आने वाला था, ऐसा बताया जा रहा है, वो दो दलों के विरोध के बाद टीएमसी और शिवसेना वहाँ पर रोकना पड़ा है।
क्योंकि इन लोगों का ये मानना है यदि ऐसा किया जाता है तो फिर अगड़ा जो वोट बैंक है वो हमसे नाराज होगा। लिया जाए ये कंट्रोवर्सियल इशू है। अब आगे क्या फैसला होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन ममता बनर्जी वहां से मुंह फुला करके लौटी हैं। आपको पटना की मीटिंग याद है ना, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का जो दिल्ली सर्विसेज बिल था उसमें कांग्रेस के समर्थन को लेकर के किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके आए थे। भले ही अरविंद केजरीवाल आज कहें कि नहीं कोई विरोध नहीं है, इसको लेकर के अनावश्यक मीडिया में खबरें चलाई जा रही है, लेकिन ये सच है कि पटना से वाया बेंगलुरु मुंबई तक जो तीन मीटिंग हुई है उसमें विरोध के सुर फूटे हैं। चूंकि 28 दल हैं, 28 दलों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अलग अलग राज्यों में उनके अलग अलग उन्हीं दलों से जो साथ खड़े हैं उन्हीं से लड़ाई है, तो ऐसा होगा। अब फाइनली क्या शेप लेता है ये गठबंधन, एक वर्सेज वन जो है वो दे पाता है कैंडिडेट या नहीं दे पाता है, उससे पहले ही सीट शेयरिंग को लेकर के झगड़ा हो जाता है, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा आगे आने वाले समय पर। फिलहाल ममता बनर्जी की नाराजगी सोशल मीडिया से लेकर के मुख्यधारा की मीडिया में छाई हुई है, इस पर हमारी भी नज़र आएगी। आप भी सोचिएगा समझिएगा कि अंदर खाने क्या कुछ ये जो चल रहा है इस गठबंधन को सेफ लेने देगा या सेफ लेने से पहले ही सब कुछ धराशायी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय जरूर रखिएगा। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।